गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड है 8, सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें पार्ट है दूसरा ईदगाह। ये जो ईदगाह पार्ट है वो एक कहानी है, जो हम ये जो कहानी है तो मैंने आपको ये जो ईदगाह पार्ट है दूसरा वो मैंने आपको पढ़ा लिया था। इसकी जो पहले की वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपको ये ईदगाह पार्ट था वो पढ़ा दिया, फिर इस पार्ट का जो शब्द के अर्थ थे वो करवा दिए, फिर इसके जो प्रश्न उत्तर थे उसका जो प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न था प्रश्नों के उत्तर दीजिए वो करवा दिए, फिर 3-4 वाक्यों के अंदर प्रश्न के उत्तर देने थे वो करवा दिए मैंने, फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा भी करवा दिया और प्रश्न चौथा था एक एक वाक्य के अंदर उत्तर देने थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखो, मतलब कि ये वाक्य है वो अधूरा है, उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो ऑप्शन सही है उसको लेकर हमें ये जो वाक्य है वो फिर से लिखना है। तो उसमें नंबर 1 पर है, गांव में बड़ी हलचल थी क्यों, क्वेश्चन नंबर वन है, गांव में बड़ी हलचल थी क्यों, तो उसके 3 ऑप्शन है, अगले दिन ईद का त्यौहार था, बी गांव में मेला लगा था, और फिर है सी ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। तो उसका सही आंसर है सी, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। तो इस वाक्य को हमें फिर से लिखना है, गांव में बड़ी हलचल थी क्यों, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही थी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, अमीना का दिल कचोट रहा था क्यों, उसके ऑप्शन हैं ए हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था, ऑप्शन बी हामिद अमीना का कहा मानता न था, ऑप्शन सी हामिद को अल्लाह में विश्वास न था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे पसंद नहीं था। तो इस वाक्य को हम फिर से लिखेंगे, तो हमीना का दिल कचोट रहा था क्यों, तो हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था। अब है क्वेश्चन नंबर 3, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्यों, और उसके ऑप्शन है ए और चीज़ें सस्ती थी, ऑप्शन बी वह खिलौने से ज़्यादा महंगी थी, ऑप्शन सी उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तो उसका सही आंसर है उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तो इस वाक्य को फिर से लिखेंगे, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्यों, उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, मोहसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्यों, तो इसके ऑप्शन है उसने बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली थी, उसने चिमटा खरीदा था, ऑप्शन सी उसने चिमटे को बंदूक की तरह कंधे पर रखा था। तो इसका सही आंसर है उसने चिमटा खरीदा था। तो महसिन ने हामिद को बुद्धू कहा क्योंकि उसने चिमटा खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि, उसका ऑप्शन है ए वह चिमटा सब अपनी माँ के लिए चाहते थे, ऑप्शन बी उन्हें चिमटा खरीदने के लिए अगर अलग से पैसे दिए गए थे, ऑप्शन सी हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था।
तो इसका सही आंसर है हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि, तो इसका ऑप्शन है हामिद जल्दी वापस आ गया था, बच्चे में त्याग सद्भाव और विवेक था, और ऑप्शन सी हामिद ने ईदगाह जाने से मना कर दिया। तो इसका सही आंसर है बच्चे में त्याग सद्भाव और विवेक था। तो बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि बच्चे में त्याग सद्भाव और विवेक था। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है डैश 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 के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है, तो इसका आंसर होगा रमजान। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है महमूद डैश डैश लेता है और महसिन को डैश डैश पसंद आया, तो उसका महमूद ने उसका आंसर आएगा सिपाही लेता महमूद सिपाही लेता है और महिमा को बिस्ती पसंद आया। अब क्वेश्चन नंबर 3, हामिद ने डैश 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 खरीदा, तो इसका आंसर है चिमटा। फिर है बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत डैश डैश में बदल गया, तो किस में बदल गया, स्नेह में। हामिद के पास 3 पैसे थे। अब क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ईदगाह पाठ का साहित्य प्रकार, जो ईदगाह पाठ है उसका साहित्य प्रकार क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी नाटक या डी एकांकी। तो इसका सही आंसर है बी निबंध, जो ईदगाह पाठ है उसका काव्य प्रकार एक कहानी पर आधारित है, तो उसका साहित्य प्रकार क्या होगा, कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 2, ईदगाह पाठ के लेखक, ठीक है ईदगाह जो पाठ है उसके लेखक कौन है, तो उसके ऑप्शन है ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी प्रेमचंद या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो उसके सही आंसर है प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 3, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद क्या आता है, उसके ऑप्शन है ए ईद, बी मोहर्रम, सी बकराईद या डी मेला। तो क्या आता है, ईद। उसका सही आंसर है ए ईद। क्वेश्चन नंबर 4, हामिद किसके साथ रहता था, उसके ऑप्शन है ए माता, बी पिता, सी दादा या डी दादी। तो उसका सही आंसर है डी दादी के साथ रहता था। क्वेश्चन नंबर 5, गांव में कहाँ जाने की तैयारियां हो रही थी, और उसके ऑप्शन है ए मस्जिद, बी नदी, सी ईदगाह या डी पनघट। तो उसका सही आंसर है सी ईदगाह। अब है क्वेश्चन नंबर 6, हामिद के पिता की मृत्यु डैश डैश से हुई थी, तो उसके ऑप्शन है मलेरिया, बी हैजी, डी बुखार या डी चीचक चेचक। तो उसका सही आंसर है हैजी, बी हैजी हैजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नूरे ने मेले में से डैश डैश खरीदा, तो उसके ऑप्शन है ए सिपाही, बी धोबीन, सी वकील या डी गुड़िया। तो उसका सही ऑप्शन है सी वकील। क्वेश्चन नंबर 8,
हमीना का क्रोध किस में बदल गया? ए स्नेह में, बी नफरत में, सी दुख में या डी सुख में? तो उसका सही आंसर है ए स्नेह। क्वेश्चन नंबर 9, हमीना ने किसके लिए चिमटा खरीदा? और उसके ऑप्शन है ए नानी, बी बहन, सी माँ और डी दादी। तो उसका सही आंसर है डी दादी के लिए। मातम का समानार्थी शब्द ए ममता, बी माता, सी शोक या डी शोक? तो इसका सही आंसर है सी शोक। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छी अच्छी चीज़ों खाने की आदत वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ए पेटू, बी चटोरा, सी चाट या डी चटनिया? तो इसका सही आंसर है बी चटोरा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, दावा शब्द का अर्थ बताइए। ए दौड़, बी चलना, सी आक्रमण या डी चाल? तो इसका सही आंसर है सी आक्रमण। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया है, और इसके आगे लगा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो ये आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझने की ट्राई करना, और इसे अपनी हिंदी के बुक में लिख देना। थैंक यू।